मॉर्निंग पाकिस्तान पे रौनक लगने वाली है आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। और जो मेरी पहली गेस्ट है उनका ड्रामा तो आपने अभी ही देखा है, उनको अभी आप ड्रामे में देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर का आगाज एज मॉडल किया, फिर वो फिल्म में आई और फिर उन्होंने ड्रामे का रुख किया। तो मैं तो बड़ी इंस्पायर हूँ उनकी एक्टिंग देख के, उनका चलना फिरना। मुझे लगता है कि हर औरत को ऐसा होना चाहिए, इसी तरह सजना सवरना चाहिए। और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी उन्होंने की, मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई। आई डोंट थिंक सो कि मैंने उनका कभी इंटरव्यू किया और वो मेरे कभी ईट शो पे आई हैं। तो आज मुझे मौका मिलेगा उनके बारे में जानने का, उनके बचपन, उनकी गुजरी हुई ईदों के बारे में, और साथ साथ मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि उन्होंने अपनी ईदें कैसे गुजारी हैं। आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत और प्यारी एक्ट्रेस एंड मॉडल राबिया भट्ट। मुबारक। अब हमारे वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी जी, वी आर सॉर्टेड। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, दिस इज द प्लेस। यस, मैंने कहा भाई जब मेरे शो पे खास तौर पे लड़कियां आती हैं तो उनकी जो तैयारी है वो तो देखने वाली होती है। मौका मिल भी ऐसा, माशाल्लाह। थैंक यू। आप बाकी हर ईद पर इतनी खूबसूरत तैयार होती है या वो थोड़े लेजी वाले लोगों में से हैं आप? मुझे लगता है आप सफेद कुर्ता भी पहन लो तो वो भी बहुत सचता होगा। ये आपका आपकी हुस्न नजर है, ये आप बात कह रही हैं, लेकिन ईद पर कुछ तैयारी करनी पड़ती है, ना? घर वालों के लिए। हाँ। और ईद का बनता भी आई गेस ये मुबारक मौका। हाँ। होता है। हाँ, बिल्कुल, बनना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू। जिनको मैं बुला रही हूँ उनको भी आपने पहले मॉडलिंग करते देखा, फिर उनको ड्रामो में देखा और फिर उनको फिल्म में भी आपने देखा, और एक आध दफा वो मेरे पास इंटरव्यू पे भी आई है, और बोलते ही बोलते बड़ी इमोशनल सी लड़की है, कहां से कहां भी चली गई। लेकिन आज ईद के शो पे मैं उनको पहली दफा अपने पास यहां बुला रही हूं, और मैं जानना चाहती हूं उनसे कि कैसी ईदें उनकी गुजरी हैं। आइए उनको बुलाकर यहां उनसे गप्पे मारते हैं और देखते हैं कि वो बातूनी है या वो भी राबिया की जगह कहीं कहीं ऑब्जर्वेंट हो जाती है। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एंड प्यारी सी ईशल फयाज। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवाब दूं मैं प्यार में। अंधे है तेरी ये बातें, है जाल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें और कितनी पतली होंगी आप? अब तो ईद पे खाना पड़ेगा ना? नहीं, मैं खाती हूँ और बहुत ज्यादा गोश्त खाती हूँ। गोश्तखोर हूँ मैं। गोश्तखोर लड़कियों में शुमार होता है आपका। जी। अच्छा, मैं अभी राबिया से भी पूछ रही थी कि भाई आप कैसी लड़की रही है, क्या वो ईद पे तैयार होने वाली या बकरों के पीछे भागने वाली माही मुंडा आप रही है, तो आप बताइए ना। तैयार होने वाली, पहले घर का बचपन ही करता था, घर का काम वाम करके। हाँ। और फिर तैयार होके बस बैठ जाना, तस्वीरें खिंचवाना, गोश्त खाना। जो नेक्स्ट गेस्ट है मेरी, मतलब कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि मेरा दिन अच्छा नहीं है और मुझे अपना दिन अच्छा करना है, तो मुझे लगता है कि मैं उस बंदे की सिलेक्शन करूंगी मिलने के लिए कि चलो यार मुझसे मिलो और मेरा दिन अच्छा करो। वो कुदरती उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि आप उससे मिलते हैं या उसका प्रोग्राम देखते हैं आपका दिन अच्छा हो जाता है, और इसीलिए मुझे वो मेरी फेवरेट गेस्टों में मैं उसको शुमार करती हूँ। क्योंकि एक तो वो एक्ट्रेस बड़ी स्पॉन्टेनियस है, मैं उसकी जब भी कोई एक्टिंग स्किल देखती हूँ अलग अलग ड्रामों में तो मैं इससे इंस्पायर होती हूँ, और मैं जिस तरह के शो में भी उसे बुलाती हूँ, जिस किस्म के ऊपर टॉपिक के ऊपर भी बात करती हूँ, तो उसके पास बहुत सारा मवाद होता है मुझसे बात करने के लिए। तो आइए आपकी सुबह को खुशगवार बनाते हैं एक और प्यारी सी हसीना से मिला के। वेलकम करते हैं सबीना फारूक। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिक
मिलती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवाब दूं मैं प्यार में। मुबारक ऐसी है आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक है। जिना बहुत प्यारी लग रही है सबसे पहले तो। ये सारी लड़कियां आज इतनी प्यारी लग रही है मुझे, यकीन मानोगी ना मुझे, जो सेट पे मेरे तैयार होके आते ना ईद पे, खास कर मुझे उन गेस्ट से प्यार हो जाते हैं, इतना अच्छा तैयार होके। नहीं नहीं, आप आज ले गई है नंबर। अरे भाई क्या बात कर रही हैं आप, इधर आए ना। ये बताएं जी लड़की, तुम, मैं गेस कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में? क्या मतलब आप, मैं सवाल के बजाय गेस करेंगी, मुझे पता है, कहेंगी ये वो गेस तैयार होती थी, ओवरडू तैयार, ओवरडू आज भी सही, मैंने पक्का वाला लगाया, आज भी ओवरडू ही तैयार होती हूँ। अभी तो तुम ओवरडू तैयार? नहीं अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब ईद पे वैसे नॉर्मली, बड़ी ईद पे मुझे थोड़ा सा मेरा दिल दुखता है जानवरों पे, हाँ। तो मैं थोड़ा जरा हौला आता है कि ज्यादा हो जो है ना, लेकिन मैं छोटी ईद वैसे भी ईद पे बहुत, क्योंकि ईद मुझे लगता है एक ऐसी वाहिद सेलिब्रेशन है जो अल्लाह ताला हमारे साथ मिलके सेलिब्रेट करता है, दिस इज दी ओनली ओकेजन ईद जो है। एग्जैक्टली, तो वो जितनी खुशी से आप मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो रहा है, जैसा भी कोई सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप ईद को अच्छे से मनाएं क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ मिलके मना रहे हैं। इस ईद मैंने कहा आज नई सारी बच्चियां हैं आज मेरे साथ शो पे, तो भाई आज सबीना तुम भी हमारे लाइन में। अब जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ वो भी बड़ी बड़ी हसीन लड़की है भाई, और उनके बोलने का तरीका, बड़ी मेहनत से हर कोई अपने लाइक हार्ड वर्क के थ्रू ही एक सर्टन जगह पे पहुंच पाता, और ये सब बहुत मेहनती लड़कियां हैं, इन्होंने बड़े ही मेहनत से अपने करियर्स को डेवलप किया है और नाम कमाया है, ऐसे ही नहीं इन्होंने आपकी दाद वसूल कर ली, उसके पीछे बाकायदा बड़ी कुर्बानियां हैं और बड़ा हार्ड वर्क है। और हमेशा मैंने नोट किया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो, चाहे हमारा शो बिजनेस का करियर हो, सब में बहुत मेहनत दरकार होती है। और आज भी मैं अपने शो पे एक ऐसी मेहनती लड़की और बड़ी प्यारी सी लड़की को बुला रही हूँ, जो शो पे आती है अपनी स्माइल से ऐसा लगता है कि वो मोतियां बिखेरती हैं। आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे, वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट नवाल सही। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। मुबारक, कैसी है हसीना? मुबारक, थैंक यू सो मच पापा। मैं ये तो इकलौती बच्ची होगी ना घर की? जी जी, तो इकलौती बच्ची बोर नहीं होती होगी ईद के दिन? नहीं, हम जैसे उठते हैं वी गो टू नानोस। अच्छा, तो वहाँ पे सब कजिन और खाला, सारे मामू, उनके बच्चे। अच्छा, तो हम वी टुगेदर सेलिब्रेट। तो फिर तुम्हें कमी नहीं महसूस होती होगी बहनों की या सिबलिंग की? मैं किसी को बताती हूँ तो वो कहते हैं महसूस होनी चाहिए, लेकिन आई बिन ट्रेंड लाइक दैट। ओह, अब मुझे आदत हो गई, अब मुझे ज्यादा लोग जो है ना, मुझे लगता है आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन। अच्छा, मुझे अब आदत हो गई अब खुद सब डील करने की, तो अच्छा, मुझे अब नहीं होती। आइए जी, मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुलाती हूँ, जो अब मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं, वो काफी ड्रामों में आपको एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी, वो मेरे शो पे एक दफा बता चुकी हैं कि वो एज अ जर्नलिस्ट इस फील्ड में आई थी, यानी कि लाइक रिपोर्टर। इतना मुश्किल काम करने वो इस फील्ड में आई, मतलब उनको देख के, इतनी खूबसूरत लड़की को देख के मैं सोच नहीं सकती कितना रफ टफ काम करने, क्योंकि जब भी मैंने कोई रिपोर्टर देखी वो बिल्कुल रफ टफ होती है, और वो उनको आईब्रो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं उनका प्रोफेशन जान के हैरान है, लेकिन लकी थी उनको आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के आगे धकेल दिया गया, और अब आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आती हैं। आज वो कितनी प्यारी लग रही है, मैं ये जानने के लिए, ये देखने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि अभी तक मैं उनसे नहीं मिली। आइए वेलकम। अच्छा, मतलब लाइक मैंने जब अपने लास्ट शो पे बुलाया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके आने से पहले मेरी बहन ने कहा यार ये कितनी खूबसूरत है, तो आई है, देखते हैं कि आज वो कैसी लग रही है। आप आपकी तालियों में बुलाते हैं, हम ऑडियंस तो है नहीं, आप ही तालियां बजाएं। वेलकम करते हैं सिद्रा न्याजी। कहते ना आंखों से
अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको भी कैसी हैं? ये मुझे अंग्रेजी फिल्म की हीरोइन लगती है। हाँ तो कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आप लोगों की सबकी आपस में मुलाकात है या सिद्रा से? आपको पहली दफा? मैं जानती हूँ सिद्रा से, मैं मिलती रहती हूँ, बट आई रियली ऑलवेज वांटेड टू मीट राबिया। आई एम अ बिग फैन। ओए ओए, तो यहाँ आपस में मुलाकातें भी हो रही है। ये होता है। सिद्रा की ईद कैसे मनती रही है? बहुत अच्छे से। छोटी ईद जरा ज्यादा एक्साइटिंग होती है, पैसे मिलते हैं उसमें, ईदी मिलती है और उसमें कोई काम भी नहीं कहता। इसमें तो शुरू से ही होता था, यू नो, आप बस आप छुपते रहे हर एक की नजर से, कोई ये ना कह दे कि गोश्त को हाथ लगा लो या यू नो। सारी बच्चियां चिढ़ती रही हैं, लाइक जब तक शादी नहीं होती तो सर पे नहीं पड़ती है, बच्चे रहते हैं। पर शादी होती है तो बस फिर अगर सास जो है वो आप पे जिम्मेदारी डाल दें फिर आप फंस जाते हैं। तो जनाब तुम गोश्त से तो घबराने वाली हो, लेकिन बकरों को चारा खिलाने वाली थी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता जो लोग पीछे पीछे फिरते हैं गाय और बकरों के और ये सारी चीजें, मैं इनसे बहुत दूर हूँ। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता था कि ईद से भाई एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले बकरा ले? नहीं नहीं, मुझे चिड़िया से भी डर लगता है, तो फिर बकरा तो बहुत दूर की बात है। नहीं तो तुम्हें इसका मतलब डराने के लिए ये आते होंगे ना सब सारे जो आस पास के बच्चे हैं तुम्हारे दोस्त? बिल्कुल, शुरू से कोई बिल्ली का बच्चा, कोई चिड़िया, आइए मैं उनको बुलाती हूँ। मुझे हमेशा से उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा इम्प्रूव करती गई, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उसे मिले और उसने प्रूव करके दिखाया कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हमेशा बहुत अच्छी गेस्ट रही है, बड़ा अच्छा पहनती ओढ़ती रही है और बड़े जबरदस्त तरीके से समझाती भी रही है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। आप कैसे घरदारी निभा रही है? क्या कुर्बानी का गोश्त समेटना अब उसकी जिम्मेदारी है या उसने अपने मियाँ को लगा दिया इस काम पे? आइए बुलाते हैं उसको और जानते हैं कि शादी के बाद की पहली ईद कैसी गुजरी है। वेलकम करते हैं सिराज घर। मैंने किसी के साथ काम नहीं किया लेकिन मैं सबको जानती हूँ, मैंने सबको देखा है। अरे वाह, मतलब आज सबकी आपस में मुलाकातें भी हो रही है तो आप लोग भी प्लीज इजाजत है आपको एक दूसरे से सवाल करने की, मतलब होस्ट में अकेली नहीं हूँ आज के जो। मुबारक हो गया। गजरे का है, गजरे मंगाए आप? नहीं, दुल्हन आई है भाई आज जो है, ये पहली ईद बकरे पहली, पहली। बड़ी पहली ईद है बड़ी बगैर, छोटी ईद वो गुजर गई है। और पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।